हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में पूछे गए बहुत ही ज़्यादा यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर डाई एथिल ईथर एंड गिव इक्वेशन मेंशन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं और उसकी केमिकल इक्वेशन देना है और कुछ हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। ये आपके कई बार बोर्ड एग्जाम में मतलब कंटिन्यूअस रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए ताकि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एट द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस एथिल एल्कोहल रिएक्टेड विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, टू फॉर्म एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर बनाने की बहुत अच्छी प्रिपरेशन मेथड है, समझिएगा। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और वो भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट रिएक्टेड विथ एथिल एल्कोहल एट द टेम्परेचर ऑफ 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 140 डिग्री सेल्सियस टू फॉर्म डाई एथिल ईथर और H2SO4। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई ये रिएक्शन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं प्रॉपर्टीज़, हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ की बात में क्या है, पहली प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 के साथ जब डाई एथिल ईथर रिएक्शन करेगा तो व्हेन डाई एथिल ईथर एट द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डाई एथिल ईथर रिएक्टेड विद वाटर टू फॉर्म एथिल एल्कोहल। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा कि डाई एथिल ईथर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, एथिल एल्कोहल बनाएगा। ठीक, पहली रिएक्शन। दूसरे क्या है कि रिएक्शन विद PCl5 यानी डाई एथिल ईथर अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो यहाँ पर बच्चों बात करते हैं डाई एथिल ईथर PCl5 यानी व्हेन डाई एथिल ईथर हीटेड विद PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड देन फॉर्म एथिल क्लोराइड, तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड और POCl3 बनेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो डाई एथिल ईथर रिएक्टेड विद एसिटिल क्लोराइड और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, डिहाइड्रेट कराएंगे। ठीक है, डिहाइड्रेट कराएंगे ZnCl2 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये जब इनका डिहाइड्रेशन कराएंगे यानी ये जब रिएक्शन करेगा एसिटिल क्लोराइड डाई एथिल ईथर के साथ में और ZnCl2 या फिर AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये वाला प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनेगा। तो इस तरीके से ये पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन लेकर आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड आता है कि एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल एंड आल्सो राइट केमिकल इक्वेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एथेनॉल हमें बनाना है। ठीक है, यानी इंडस्ट्री में एथेनॉल कैसे बनाया जाता है उसकी केमिकल इक्वेशन भी हमें देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एथिलीन, एथिलीन से एथेनॉल। ठीक है, एथिलीन से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा एथिलीन से एथेनॉल बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि हम एथिलीन को हाई प्रेशर और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एथिलीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, H2SO4 के साथ कराएंगे।
तो जब एथिलीन H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, ये बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अब क्या होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से एथिलीन के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाएगा, क्या? एथिल सल्फेट। क्या बनाएगा बच्चों? एथिल सल्फेट। और एथिल सल्फेट H2O के साथ में जब हम इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा एथेनॉल और H2SO4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेकर के इसको कॉपी पर नोट जरूर कर लीजिएगा। तो इस समय मैं जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से आपके क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम केमिस्ट्री में 100% छपने वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो कॉपी पेन लेकर के बहुत ही ध्यान से समझिएगा। उसके बाद में बात करते हैं फ्रॉम एसिटिलीन, यानी एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे बनाएंगे। तो बच्चों बात करते हैं एसिटिलीन की रिएक्शन हम H2O के साथ जब कराएंगे HgSO4 या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा, बनेगा प्रोडक्ट एसिटाल्डिहाइड, ठीक है? क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। अब इस एसिटाल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, 120 से 140 यानी 120 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर H2 या निकिल के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एक प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग एथिल एल्कोहल या फिर एथेनॉल। तो एसिटाल्डिहाइड से हमने एथिल एल्कोहल या एथेनॉल बना लिया, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है, ये हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन सोडियम एजाइड इज हीटेड, जब हम सोडियम एजाइड को हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? तो देखिएगा 2NaN3 यानी जो कि क्या है हमारा सोडियम एजाइड है, और इस सोडियम एजाइड को हम 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब हम सोडियम एजाइड को गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा नाइट्रोजन और सोडियम में, ठीक है? तो इस तरीके से ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे सारे नोटिफिकेशन जैसे वीडियो आप आता है कोई सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको आपको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये क्वेश्चन। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।